अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिया सीड्स के हवाले से। रमज़ान की आमद आमद है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है हम ऐसी कौन सी ड्रिंक इस्तेमाल करें जिससे हमें पूरे दिन में भूख भी ना लगे, और अफ्तार के वक्त कौन सी ऐसी ड्रिंक इस्तेमाल करें जो कि वेट लॉस भी कराए, क्योंकि लाल शरबत के दूध सोडा के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। और जब मैं डाइट प्लान में लिख के देती हूँ कि लाल शरबत नहीं मिलना या रूह अफ़ज़ा नहीं मिलना तो सबका एकदम मुँह बन जाता है। चिया सीड से हम आज की ड्रिंक बनाएंगे जो कि अफ्तार में भी इस्तेमाल हो सकती है और सहर में भी इस्तेमाल हो सकती है। चिया सीड्स के हम हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। जो मैं चिया सीड्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो चिल्टन प्योर के, आप किसी भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल चिया सीड्स के हम हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहला इसका फायदा यह है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। तुख्मे दाऊदी कहते हैं चिया सीड्स को उर्दू में, इनको तुख मलंगा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मैंने कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए तुख मलंगा भी रखा है, अभी मैं आपको दोनों का फर्क भी दिखा देती हूँ। बहरहाल चिया सीड्स तुख्मे दाऊदी हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन मर्द हजरात का स्पेशली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खवातीन का भी, वो चिया सीड्स सहर में या अफ्तार में अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं उनके काफ़ी नीचे आ जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है एसिडिटी, रमज़ान आते साथ ही तेजाबियत का मसला बढ़ जाता है क्योंकि हम पूरा दिन 16 घंटे भूखा रख के अपना सारा जोर तोड़ते हैं फ्राइड आइटम्स पे। सो एसिडिटी के पेशेंट्स के लिए अगर वो अफ्तार एक खजूर और उसके फ़ौरन साथ चिया सीड्स की कोई ड्रिंक ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट के लिए चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं। तुख मलंगा कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, मगर चिया सीड्स जो हैं वो पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये इंतहाई अच्छे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। पाँचवा इसका फ़ायदा ये आता है कि अगर आप इसको सहर में इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे भूख नहीं लगेगी। मैंने चिया सीड्स पानी में भिगो के रखे हुए हैं, जब आप पानी में डालते हैं ये थोड़ा सा फूल जाते हैं। मैंने थोड़े से इस्तेमाल किए हैं, मगर आप ज़ाहिर है हस्बे ज़रूरत इनको ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप, मैंने एक चौथाई चाय का चम्मच लिया, आप इससे ज़्यादा भी एक चाय का चम्मच तक इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से जो रमज़ान में रोज़ा रखते साथ ही हमें थोड़ी देर बाद भूख वाली फीलिंग होती है वो काफ़ी हद तक आपकी सप्रेस हो जाएगी। अफ्तार में अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रोज़ा खुलते साथ ही जो हम बहुत ज़्यादा पानी एकदम पी लेते हैं ये हमें उससे रोकेगा, क्योंकि जब ये मुँह में आता है तो हमें एकदम स्टॉप लगता है। जब स्टॉप लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। असल मसला ये आता है, इधर रोज़ा खुलता है इधर हम इकट्ठे घटाघट सारा पानी पी जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। इस ड्रिंक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ओवर हाइड्रेशन से बचे रहेंगे। अगर आपने इसको सहरी में इस्तेमाल करना है तो आप इसको डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स से मुराद ये है दूध के अंदर डाल के, दही के अंदर डाल के, किसी शेक स्मूदी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अफ्तार में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो जो ड्रिंक मैं आपको दिखाने लगी हूँ बहुत सिंपल सा नींबू पानी के साथ है। सो बहरहाल जो ड्रिंक मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो आप इसकी अफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यही ड्रिंक आप सहर में भी लेकर जा सकते हैं, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन सहर में दूध दही की प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं क्योंकि वो आपको काफ़ी देर तक हाइड्रेशन देती रहती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चिया सीड्स और बेजल सीड्स, यानी चिया सीड्स और तुख मलंगा और तुख में दाऊदी में फ़र्क क्या है। तुख मलंगा बेसिकली कहते हैं बेजल सीड्स को, या आपको नज़र आ रहा है काले रंग के निस्बतन बड़े होते हैं। अब यही हम चिया सीड्स को देखें, जो मैंने यूज़ किए हैं वो हैं चिल्टन प्योर के ब्राउन कलर के, थोड़े से छोटे साइज़ के। मैं दोनों को हाथ पे डाल के आपको एक दफ़ा फ़र्क भी दिखा देती हूँ, ये फ़र्क है दोनों में। अब मसला क्या आता है कि जब हम ऑनलाइन या हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो चिया सीड्स को बेजल सीड्स और बेजल सीड्स को चिया सीड्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है। ये देख लीजिए, जो बेजल सीड्स हैं वो निस्बतन बड़े हैं साइज़ में, काले रंग के हैं, जबकि चिया सीड्स ब्राउनिश टोन में होते हैं, निस्बतन छोटे होते हैं। सो ये जो अक्सर बड़े स्टोर्स भी इवन या जो ऑनलाइन शॉप्स हैं ये सारी अक्सर गलत चीज़ जो है वो आपको दे रही होती हैं। आप लोग चिया सीड्स लेने जाते हैं वो बेजल सीड्स यानी तुख मलंगा दे देते हैं, और कई दफ़ा क्लाइंट्स के डाइट प्लान में हम लिखते हैं चिया सीड्स और वो बेजल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना, मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं, दोनों में फ़र्क भी बता दिया कि दोनों बेजल सीड्स एंड चिया सीड्स के अंदर फ़र्क क्या है। सो बहरहाल सिंपल, आपने चिया सीड्स, मैंने एक चौथाई चाय का चम्मच लिया, एक चौथाई चाय का चम्मच चिया सीड्स जो है वो आपने भिगो के रख देने हैं, आधा घंटा मैंने भिगो के रखे हैं। उसके बाद आपने इसमें सॉल्ट हस्बे जायका ऐड कर देना है एंड लेमन ऐड कर देना है, दैट्स इट। मतलब बहुत सिंपल सी आपकी ड्रिंक है, और अफ्तार में एक खजूर के साथ आपने ये ड्रिंक इस्तेमाल करनी है। अब इसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं है, दैट्स इट, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और मैंने ऐसे किचन अपना तैयार किया जैसे मैं पता नहीं आप लोगों को क्या बना के दिखाने लगी हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। बहरहाल अगेन, जब आप इसको पियेंगे, जब ये मुंह में आएगा एकदम स्टॉप लगता है। जो हम इकट्ठे पूरा जग पी रहे होते हैं, हम इकट्ठे बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले रहे होते हैं, ये हमें उससे रोकेगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाएगा, और स्पेशली रमज़ान में जो हमारी
फिजी ड्रिंक से जान ही ना छूट रही होती है, जो हमें मुसीबत पड़ी हुई होती है, हम अफ्तारी किस चीज़ से करें, सादा पानी तो नहीं पिया जाता, पूरा दिन भूखे रहते हैं। अच्छा, इसमें आप शहद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप इसमें शहद या थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक चाय के चम्मच से ज़्यादा पूरे ड्रिंक के अंदर। आप मैंने तो एक गिलास बनाया, आप दो तीन गिलास भी बना सकते हैं, मगर उसमें जो शक्कर या शहद है वो एक चाय के चम्मच से ज़्यादा ना हो, ताकि वेट लॉस में हेल्प हो सके। लेकिन अगर वेट लॉस या शुगर आपका मसला नहीं है, तो आप इससे ज़्यादा भी शहद का या शक्कर का इस्तेमाल जो है वो हस्ब ज़ायका फिर कर सकते हैं। बहरहाल अफ्तार आपने स्ट्रिंग से करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस भी हो, आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहे, तेजाबियत का मसला भी ना हो, और किसी किस्म की कोई ओवर ईटिंग भी आप ना करें, ये आपकी हंगर को भी सप्रेस करेगी, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगेन, अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है कि जी हमने चिया सीड्स फलां जगह से ऑर्डर किए थे, वो तो हमें बेजल सीड्स मिल गए, तो हमें लग रहा है कि चिया सीड्स हैं कि तुखमलंगा, हमें फ़र्क नहीं समझ आ रहा, तो आप चिल्तन प्योर के चिया सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कोड भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से अगर ऑर्डर करते हैं आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। स्पेशली चिल्तन प्योर ने मेरे फॉलोअर्स के लिए 10% ऑफ भी अनाउंस किया है। शुक्रिया बहुत।